नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कानून वापसी को लेकर वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तमाम बातें राकेश टिकैत की तरफ से कही गई बैठक के बाद। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में यह हुई कि जो 3 बिल है उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। अरे ले गई, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। बिल्कुल कोई बात ही नहीं सहमति बनने, सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून, बस हमारा ये था कि वापस। तो ये 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है नाराजगी जाहिर करते हुए कि जब तक बातचीत नहीं बनती है, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इसी दौरान हमारे संवाददाता राज वर्मा ने किसानों से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप सुनिए। क्योंकि अब 8 जनवरी को अगली बैठक होनी है, आज की बैठक में क्या कुछ रहा, कोशिश करते हैं कुछ किसान नेताओं से यहाँ बात करने की। दरअसल जो आज की बैठक थी सर, आज की बैठक के नतीजे क्या कुछ? बेसट्टा कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला, बेसट्टा हुई है। देखो सरकार जो है ना, एक इसको बाहर से लेना नहीं चाहती, जो कारपोरेटों के दबाव में है और बड़े साम्राज्यों के सरमाएदारों के दबाव में है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो उनके हक में बोलते हैं, वोट लेने के लिए किसानों मजदूरों के हक में बोलते हैं। इससे पहले 30 तारीख को 2 बातों पे सहमति बनी। देखो जो वो कानून थे ना, जो कानून थे वो बहुत छोटे कानून थे इनके मुकाबले में। इस पर लड़ाई शुरू हुई है पंजाब में से, जो 4 महीने का कोड़ है यही है जो सबसे करड़े कानून है, इस पर लड़ाई हमारी हुई है। ये जो वापस नहीं होते तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। जो आगे की रणनीति सर? हाँ बिल्कुल, कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, उसके बाद हाँ कल मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा। कल भी जैसे रेवाड़ी में देखने को मिला कि कुछ किसान बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? और अब जो कि जैसे 6 जनवरी के लिए केएमपी के लिए जो निर्धारित कुछ प्रोग्राम थे, उन सबको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमारी है दिल्ली, हमारी है, किसानों का आना हक है, उनको रोकते हैं, ये जबर कर रहे हैं किसानों के ऊपर। और जो परसों का प्रोग्राम है बताएंगे प्रधान, वो जो प्रोग्राम था ना 6 तारीख का, कल में पास करेंगे, कल में 12 बजे पंजाब की किसान जथेबंदियों की मीटिंग है, और 2 बजे जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है उसमें होगा अगले की जो है उसमें। आज बात नहीं बनी लेकिन बातचीत चलती रहेगी। बातचीत तो चलती रहेगी क्योंकि आंदोलन भी चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी। आज सरकार ने खुद ही टाइम दिया है 8 तारीख का। हम कल की मीटिंग में पहले जो प्रोग्राम तय किए हुए एजिटेशन के, उनको लागू करने के लिए करेंगे, और 8 तारीख को बात करनी है कि नहीं करनी। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसे ठुकराया नहीं कि बातचीत नहीं करनी, चाहे सरकार का रवैया बिल्कुल अड़ियल है लेकिन हम बातचीत में आते हैं। आज की बैठक के दौरान कुछ बहस भी हुई? आज की बैठक में बहस भी हुई थी? नहीं, बहस नहीं होती, दलील
वो अपने आर्गुमेंट देते हैं, हम अपने आर्गुमेंट देते हैं, इसको बहस कह लो या आर्गुमेंट मिला के उनके आर्गुमेंट से किसान जो है भी सहमत नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि 8 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें कुछ नतीजे निकलेंगे, आज की बैठक से ऐसा लग रहा है। ओ देखो, सरकार पहले से ही ये स्टैंड ले रही है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, इसमें अमेंडमेंट जितनी करनी है शोध करनी है कर लो। उधर किसान जथेबंदियाँ पहले दिन से ही इस बात पर अड़ी हुई हैं कि हम रद्द करेंगे, हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, तो हर बार यही दलीलबाजी होती है, इसलिए आज भी वही हुई है। चलिए, तो अभी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की वार्ता में शायद समाधान निकले। जो पूरी रणनीति है वो कल की जो संयुक्त मोर्चा की बैठक है उसमें तय की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति रहेगी आंदोलन को लेकर और किस तरह से पूरा आंदोलन अब आगे जाएगा। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, विज्ञान भवन, दिल्ली, इंडिया। और वहीं बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छे वातावरण में बातचीत हुई लेकिन किसानों की जिद की वजह से बात नहीं बन पाई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों ने पॉइंट टू पॉइंट बातचीत चाहती थी लेकिन बात नहीं बन पाई। यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के दो कानून नए और एक संशोधन, ऐसे जो तीन कानूनों के बारे में चर्चा चलती है उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक। दिल्ली बॉर्डर से लेकर प्रदेश की तमाम जगहों पर केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। किसानों का साफ कहना है कि जब सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पिछले 40 दिन किसान आंदोलन में अगर कुछ बदला है तो वो है किसानों का हुजूम। हर दिन बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अगर बात हरियाणा की करें तो भी कृषि कानूनों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। कड़ाके की ठंड के बीच किसान हौसला बांधे सड़क पर बैठे हैं, तो वहीं किसान नेताओं के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो किसानों की ये जंग लंबी चलने वाली है। इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार को जानता है। तो सरकार भी चाहिए कि किसानों की भावनाओं को कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बने, गारंटी कार्ड। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी दे नहीं तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही है, वो अमेंडमेंट कहते हैं अड़े हुए हैं उसको वापस करवाने के लिए। देखिए, वो एक जथा था वहाँ से जो दिल्ली की तरफ चला था और बॉर्डर पे पहुँचने के लिए वो आया था, उन पे जो आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए वो गलत किया गया है क्योंकि बॉर्डर पे तो हम सभी जगह आएंगे, उन्होंने गलत किया। वहीं एक नजर अगर प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन पर डालें तो रेवाड़ी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। रात में किसानों ने संगवाड़ी गांव के पास बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और हरियाणा की सीमा में 60 किलोमीटर तक घुस आए थे। किसान जब साहिबी पुल के नीचे पहुंचे तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया
चार दिन के अंदर दूसरी बार किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। हमारी किसानों का अगला जो सा स्टेप है, जो इंडिपेंडेंट डे आ रहा है 26 तारीख को, हमारे सारे किसान जथेबंदियां 26 तारीख को इंडिया गेट पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर से प्रदर्शन करेंगे। अहीं दिल्ली टिकरी बार्डर से चले किसानों के समर्थन च, उन्होंने वास्ते राशन लैके, जो भी उन्होंने राशन की जरूरत है जी, सारा राशन साढ़े को उपलब्ध है, ये असी राशन टिकरी बार्डर से पहुँचा जी दिल्ली किसानों के समर्थन से। पंजाब की तरह हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन में निकल पड़े हैं और सेंटर सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है, इसे तोड़ने के लिए वो तरह तरह के रंग देना चाहती है और बीजेपी के जो लोग हैं खास करके वो किसानों को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें रच रहे हैं। हमने फैसला कर रखा है कि बीजेपी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ कृषि कानूनों के को लाकर सरकार हमारी खेती को निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है देश का, सबसे बड़ा आंदोलन जिसमें देश के नौजवान पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा आंदोलन जो देश में एक नए बदलाव की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ की जो मौकाप्रस्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके खिलाफ भी एक लहर देश में बनती नजर आ रही है। वहीं रतिया में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप थनवान के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को बड़ा ट्रैक्टर मार्च करने की चेतावनी दी। देखिए फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है, कल शाम को कुछ लोगों ने ये बैरिकेड तोड़ के आगे जाने की कोशिश की थी, जिसको यहाँ पे मसानी बैराज के यहाँ रोका हुआ है जी। तो अभी स्थिति नियंत्रण, वाया पटौदी जाने का, वाया पटौदी जाने का है जा रहा है, वहाँ की मुझे ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक तो नियंत्रित है बिल्कुल, ट्रैफिक नियंत्रित है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो पंजाब के किसानों पर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ था और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। इस मामले को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी भेजी थी और ऐसा करने को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया था। छात्रों की उस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और अब खुद संज्ञान लेकर सुनवाई की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड में बैठे करीब 60 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कड़ी में पलवल के NH-19 पर गांव अटोहा मोड़ पर एक 65 वर्षीय किसान ने अपनी जान गंवा दी। सुरेंद्र सिंह सिद्धू नाम के किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां किसान ने दम तोड़ दिया। मृतक किसान का अंतिम संस्कार ग्वालियर के उसके पैतृक गाँव मायना में किया गया। किसान की मौत के बाद से ही धरने पर बैठे किसानों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर है सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मसले का हल निकलता अभी नजर नहीं आ रहा और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जींद में महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली में की जाने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की। सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता विफल हुई तो महिलाओं के दस्ते ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के लिए अब कूच करेंगे। 6 जनवरी को दिल्ली में कुंडली मानेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च के साथ अपनी ताकत दिखाएंगी। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर लाखों ट्रैक्टर्स के साथ मार्च निकाला जाएगा और ये उसी को देखते हुए ट्रैक्टर मार्च का फाइनल रिहर्सल करती हुई महिलाएं आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि 7A का मुद्दा अहम है। उन्होंने कहा कि छोटे प्लॉट वालों को दिक्कत आई लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी को जो बिल्डर बना रहे थे ये उनके लिए रोक है। सीएम साहब से छोटे प्लॉट वालों की परेशानी दूर करने पर बात भी हुई है। चंडीगढ़ में तमाम बातें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कही गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के सामने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि विकास कार्यों की रफ्तार में तेजी लाएं और जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर नए टेंडर जारी किए जाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम, PWD, फॉरेस्ट, बिजली विभाग के अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। बैठक में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सेक्टर 10 की तरफ से आने वाले रोड को सेक्टर 3 गुरुग्राम कैनाल से लेकर तेगाव रोड तक डबल रोड बनाने का फैसला भी लिया गया।
बल्लभगढ़ में बंद पड़े कार्यों और नए कार्यों को लेकर आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में अधिकारियों के बीच में समीक्षा बैठक की है और इसमें कई कार्यों पर जहां मोहर लगी है तो बंद पड़े कार्यों में भी तेजी लाने के अधिकारियों को आदेश दिए। हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बात कर लेते हैं। सर, रेस्ट हाउस पहुँचे हैं, क्या 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 चीज़ें अधिकारियों के बीच में रखी गई हैं और क्या आदेश दिए? जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, जो विकास की जो घोषणा रुकी पड़ी थी, उनको तेजी के साथ उनको लागू करना और कोई समस्या, कोई आपस में अधिकारियों का प्रशासन का तालमेल ना हो, कहीं रोडवे कहीं रोड के हैं जो PWD के आदमी हैं, बिजली बोर्ड के हैं, फॉरेस्ट वाले, कहीं बिजली, वो आपस में तालमेल नहीं हो पाता, उससे काम लंबे समय तक रुके रहते हैं। इनके हमने जॉइंट मीटिंग बुलाई है और जल्दी से जल्दी जो मुख्यमंत्री की घोषणा इनको पूरा करें। और मुख्यमंत्री ने हमें एक घोषणा 5 करोड़ की घोषणा दी थी जिसमें 2.5 करोड़ रुपये हमने पानी पर लगाया है, पानी पे अपने पीने के लिए विधानसभा, और 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ की लागत से एक रोड है जो 4 लाइन जो बनकर तैयार होगी, जो सेक्टर 3 से लेकर गुड़गांव से तिगाम रोड तक जो की योजना चालू होगी। इससे बड़ी सौगात माना जा रहा है जो रोड को आप जो फरीदाबाद से कनेक्टिविटी बल्लभगढ़ की और बढ़ जाएगी, कैसे देखते हैं इसे? सबसे बड़ी बात है कि जो बल्लभगढ़ जो शहर है ये जाम की स्थिति में है और रास्ता मात्र फैजाबाद निकलने के लिए या तो जीट रोड से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। प्रदेश में बिजली निगम कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में बिजली दफ्तर पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का साफ कहना है कि ऑनलाइन तबादला नीति उन पर जबरन थोपी जा रही है। फरीदाबाद, नारनौंद, सिरसा, चरखी दादरी, ओल्ड फरीदाबाद में निगम मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं नारनौंद बिजली निगम के कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली बोर्ड कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं, नए साल की शुरुआत में सरकार ने ऐसा किया जो कि सरासर अन्याय है। सिरसा के HSEB वर्कर यूनियन ने भी प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की खामियों को दूर नहीं किया जाता तब तक यूनियन हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। चरखी दादरी बिजली विभाग में भी कर्मचारियों ने नारेबाजी की और 2 घंटे का धरना दिया। गुला चीका में हरियाणा कर्मचारी महासंघ यूनिट के कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम के MD के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहां पर धरना दिया। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, नारनौंद, गुला चीका, फरीदाबाद, सिरसा और चरखी दादरी की। गुरुग्राम के खिड़की दौला थाने के पुलिसकर्मी गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। दरअसल विजिलेंस की टीम ने जो FIR दर्ज की है उसमें 1 करोड़ रुपए की घूस की बात है। आरोप है कि कुछ लोगों को पुलिस ने पहले उठा लिया और थाने में बंद रखा। मामले के निपटारे के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए की डील की गई, लेकिन इसकी खबर विजिलेंस को लग गई और विजिलेंस की टीम ने खिड़की दौला थाने के ASI अमित को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। विजिलेंस को खिड़की दौला थाने के SHO विशाल की तलाश है जो बड़े अधिकारियों के नाम का भंडाफोड़ कर सकता है। गुरुग्राम के खिड़की दौला थाने के SHO समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है फिरौती की रकम को लेकर, और फिरौती की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ की। फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से खेड़की दौला थाने के ASI अमित कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, और नवीन भूटानी की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसकी एक ये कॉपी हमारे हाथ में है। इंडिया न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव आप साफ तौर से ये FIR की कॉपी देख सकते हैं कि जो खेड़की दौला थाने के SHO विशाल, अमित और अन्य साथियों के खिलाफ में 1 करोड़ की फिरौती कहें तो उसको ये साफ तौर से मांगी गई थी और रंगे हाथों अमित को गिरफ्तार किया गया था। हम फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय पर खड़े हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसमें ASI अमित फिरौती की रकम लेने यानी कि रिश्वत की रकम लेने के लिए पहुंचा था, और इस बीच में विजिलेंस की टीम ने उसको रंगे हाथ गुड़गांव से धर दबोचा, और ये साफ तौर से उसकी गाड़ी को देख सकते हैं, इस गाड़ी में ही वो अमित पहुँचा था जिसको विजिलेंस की तरफ से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। और इस रिमांड के दौरान जो पूछताछ में सामने आया है उसमें साफ तौर से
सूत्रों का कहना है कि बड़े अधिकारी भी इतनी बड़ी रकम की बंदरबांट में शामिल थे। इसके साथ साथ में 57 लाख रुपए वसूल लिए गए थे नवीन भूटानी से पहले ही, और जो शिकायतकर्ता था उससे भी जो जानकारी सामने आ रही है 30 लाख रुपए पहले ही इस काम को निपटाने के लिए लिए गए थे। बता दें कि गुड़गांव के अपना घर में 3 लोगों के बीच में एक आपसी लेन देन को लेकर बैठक की जा रही थी, और पैसों के लेन देन के बीच में ही कुछ पुलिसकर्मी वहाँ सिविल ड्रेस में पहुँचे और उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। 2 दिन उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उनसे 1 करोड़ रुपए लेने के एवज में समझौता किया गया छोड़ने की बात कर और 57 लाख रुपए लेने के बाद में उनको छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी की रकम मांगने के लिए लगातार जो ASI है अमित, वो दबाव बना रहा था, और उसी दबाव के चलते 5 लाख रुपये देने के लिए विजिलेंस के साथ में जब भूटानी वहाँ पहुँचा तो उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। लगातार विजिलेंस की जाँच चल रही है, और अब ऐसे में जो की दौला थाने का SHO विशाल वो फरार है। इसके साथ साथ में बाकी जो अन्य जो हैं पुलिसकर्मी हैं वो भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों की माने तो जल्द ही उनके हाथ में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी जो तमाम आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। साइबर सिटी का भोंडसे इलाका देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो में सवार होकर बदमाश गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर गुरुग्राम की CIA सेक्टर 39 ने बदमाशों का पीछा शुरू किया। देर रात भोंडसे के पास बदमाशों और पुलिस का आमना सामना भी हो गया। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का उन्हें इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दाग दी। पहले पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को पंचर किया, बावजूद इसके बदमाश गाड़ी को भगाते रहे, पुलिस भी उनके पीछे लगी रही। इसी बीच बदमाशों की गाड़ी भोंडसे के पास एक पत्थर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। इसी बीच पुलिस ने बदमाशों को ललकारा, लेकिन बदमाशों ने गोलियां दागनी बंद नहीं की। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 1 पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। ये कल रात की बात है, हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 39 को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश यहाँ पे हथियारों के साथ गुड़गांव में घूम रहे हैं और वो गाड़ी छीनने की फिराक में हैं हथियार के बल पे, और अगर उनको इंटरप्ट किया जाए तो वो काबू आ सकते हैं। जिस पे इन्होंने टीम गठित करके इंचार्ज राजकुमार सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वहाँ उनके पीछे लगे, और जो बताई गई गाड़ी थी उसके पीछे जब इन्होंने पीछा किया और तो उन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और गाड़ी के टायर में गोली लगी, फिर भी वो रिम रिम पे गाड़ी को चलाते रहे, फिर गाड़ी अनबैलेंस होके आगे भोंडसे के पास जाके एक पत्थर में लगी और उनको इंटरप्ट करके जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फिर भी पुलिस पे फायर किया, हमारे एक जवान के गोली लगी, एक दूसरा और घायल हुआ, और फिर हमने 2 आदमी, उनमें से 5 आदमी टोटल थे, उनमें से 2 आदमियों को पुलिस पकड़ने में कामयाब। पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन लगातार वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ताजा मामला पानीपत के बस स्टैंड का है, जहां पर एक व्यक्ति पर 3 3-व्हीलर सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उससे 40,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। बदमाशों ने व्यक्ति को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया और व्यक्ति पूरी रात खून से लथपथ पड़ा रहा। सुबह पुलिस सूचना के बाद घायल को अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।